नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ हनीफ शेख। आज मुमरा निकले हम लोग और आज जो है बड़ा कठिन ना, इसलिए प्रशासन जो है बड़े सत्ते में आ गई है और बहुत, और जितेंद्र अवार्ड साहब जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि लोग अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि जनाजा जो उठाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, ना ही जनाजा उठाने के लिए कोई आपके इधर आएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव निकले हैं और कम से कम 28 बिल्डिंग तक के सील कर दी गई है, जिनको जो लोग ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, कोई बाहर का आदमी भी उसके अंदर नहीं आ सकता। ये आप इसको समझना चाहिए। हम लोग रमजान का मुबारक महीना सामने आ रहा है, मेरी पहली आपसे गुजारिश रही है, मैं बहुत आलिम बहुत मौलाना से बात कर चुका हूँ, सबका कहना ये है कि ज़कात का इस्तेमाल आज से खुद शुरू करो, क्योंकि इस्लाम में यह कहा गया है, हदीस है कि आपके बाजू वाला अगर भूखा है और उसको आप खाना खिलाते हो तो सबसे बड़ा सवाब है। बाजू वाले की मदद करना, इसके बड़ा सवाब इस्लाम में और दूसरा कोई भी नहीं हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। मेरी आज मेरे सभी भाइयों और बहनों से गुजारिश है, मदद करो। मैं अनाज बांट रहा हूं, अनाज मत बांटो, भूखे इंसान को जाके खाना खिलाओ, अनाज कितना भी बांटो तो कम है, क्योंकि लोगों को अनाज घर में रखने की आदत नहीं। दूसरी चीज, कल कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है, हमको भी कहा गया है कि घर मत छोड़ो, पर बैद और रूता, आपसे मोहब्बत है इसलिए 14-15 घंटे हाथ जान हाथ के रख के घूम रहे हैं। रूता काल से कर जा रही है, भाभी कभी ये हॉस्पिटल में जा रही है, कभी किसी के घर पे जा रही है, क्या हमारी जान नहीं है क्या, हमें बेटी नहीं है क्या? लेकिन आप बुजुर्ग हो तो मेरे बाप के जैसे हो, कोई खाला है तो मेरी माँ के जैसी है, कोई बच्चा है तो मेरे बच्चे जैसा है, कोई मेरे उम्र का है तो मेरे भाई बहन के जैसा, ये हमने रिश्ता मुमरा से रखा है। मैं दिल से ये चाहता हूं कि ये शहर में कोई हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज अमृत नगर में 9 पेशेंट है सिर्फ एक एरिया में। मैं आज बताना चाहता हूं कि वहां की 38 बिल्डिंग गेट के ऊपर पतरा लग जाएगा, किसी को नीचे उतरने नहीं, और पूरा क्लैंप डाउन हो जाएगा। पुलिस अब बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी, जो भी पुलिस के बीच में आएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे हवा में जाना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के, कि अब नहीं सुधरोगे तो जनाजा निकलेगा। ऐसा वक्त आएगा कि जनाजा उठाने के लिए आदमी तैयार नहीं होंगे, लोग बोलेंगे इसको ये हुआ था शायद हमको भी हो जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, अब पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, अब आने वाले 15 दिन बहुत खतरनाक है। आप सर्वे रोक रहे हो, सर्वे क्यों रोक रहे हो? ये कोई एनसीआर एनपीआर का सर्वे है, एनपीआर अब आएगा ही नहीं, और मैं बैठा हूं ना, डॉक्टर सारे आपके यहां टेस्ट हो रही है, अरे भाई आपकी जान बचाने के लिए लोग जान पे खेल रहे हैं, पुलिस को शौक आया है क्या ये सब करने का? लेकिन अब सुनो, फिर से एक बार कहता हूं, मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपके सामने आपके लिए जान हथेली पे लेके हो गए। डायलिसिस का भी सवाल छूट जाएगा, सब सवाल छूटेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको घर में बैठना पड़ेगा। अगर आप आज से घर नहीं बैठोगे तो मुझे नहीं मालूम पुलिस आपका भी घर लॉक कर देगी। आज 103 पेशेंट हाई रिस्क पे है, हो सकता है कि उनको वो पॉजिटिव हो जाए, अगर 103 पॉजिटिव हो गए तो मुमरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा पॉजिटिव पेशेंट्स का। क्या आपको मुमरा की और बदनामी चाहिए? हर दम कोई भी आता है, मुमरा में ऐसा हुआ, मुमरा में ऐसा हुआ, मुमरा कितना अच्छा है लोगों को कभी पता ही नहीं चलता है। घर में बैठो, घर में बैठो, घर में। इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।